वेलकम इन योर बेसिक अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंट्स में हम लोगों ने रूल्स सब डिस्कस कर लिए हैं इनके, और जर्नल एंट्रीज हमारी हो चुकी है और टैली हम साथ साथ चलाए गए हैं। तो इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम लोग रैंडम अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे अकाउंट्स होल्डर के लिए इनिशियल स्टेज पे रिक्वायर्ड होती है कि उनको अकाउंटिंग एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। मोस्टली जैसे फाइव एलिमेंट्स होते हैं जिसको स्टूडेंट्स कंसीडर करके चलते हैं, एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लाइबिलिटीज। बट उसके अलावा देर आर फर्दर मोर अकाउंटिंग एलिमेंट्स दैट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट टू नो, उनको हम बीच में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देर वुड बी मोर देन 60 एलिमेंट्स यू कैन काउंट, लेकिन जो स्पेसिफिकली एट पर देर यूसेज या फिर जब आप एक बार इसमें इंडल्ज हो जाते हैं वर्किंग में, देन इवेंचुअली यू गेट टू नो द फर्दर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स व्हाइल वर्किंग। तो स्टार्ट लेते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। फर्स्ट, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? A financial year is a period of 12 months for which a business prepares its books of accounts. ये financial period 12 महीने का एक वो महीना है जिसमें businessmen जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने accounts को prepare करते हैं। Financial year starts from 1st April. और जो financial year कब start होता है? 1st April से। और कब खत्म होता है? It ends on 31st March. और ऐसे ही जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो 1st जैन से स्टार्ट होता है, 1st जैन टू 31st दिसंबर, उसे कैलेंडर ईयर कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर जो आपका फर्स्ट अप्रैल टू 31st मार्च तक चलेगा, और जो कैलेंडर ईयर है वो 1st जैन टू 31st दिसंबर तक चलेगा। अब इसमें एग्जांपल हमने लिया, जैसे 1 अप्रैल 2018 से 31st मार्च 2019। बट व्हेन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st जैन, देन इन सच केस द फाइनेंशियल ईयर विल बी एंड अप इन द नेक्स्ट ईयर। अगर इस तरह से कंपनी 1st जैन या उसके बाद उसका इनकॉर्पोरेशन होता है तो उसमें उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1st जैन टू 31st मार्च टू 2009 तक कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 1st अप्रैल ऑनवर्ड्स उसको दोबारा से वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1st जैन 2018, अगर वहां से उसका इनकॉर्पोरेशन होता है तो इट डजेंट मीन कि वो जैन टू दिसंबर में लेके चलेंगे, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैन टू मार्च के अलग रखने हैं, फिर उनके बैलेंसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करके फाइनेंशियल ईयर में लेके जाने हैं अप्रैल। फिर वहां से दैट कंपनी विल बी वर्किंग इन अ न्यू फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो उनके 31st मार्च तक ही लेके जाएंगे। नेक्स्ट आता है एसेट्स। एसेट्स आर एनीथिंग हैविंग अ वैल्यू व्हिच कैन प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट्स वो होती हैं जो आपको जो कंपनी को क्या प्रोवाइड करती है, फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए। दैट मीन्स जब आपकी जो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट है या फाइनेंशियल ग्रोथ है दैट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन योर एसेट्स की, दैट यू कैन रिकवर योर लिक्विड टर्म्स और फाइनेंशियल और योर फाइनेंस फ्रॉम कन्वर्टिंग योर एसेट्स इन टू योर मोनिटरी टर्म। So for the future purpose, it gives you economic benefit. They are generally of two types. दो तरह की हैं, current and non-current. And non-current fixed assets are to be said as a fixed asset also. उसके बाद current assets are those assets which are short-term resources and expected to be converted into cash within a year, such as cash, cash equivalent, inventory, accounts receivable and other prepaid expense. Current assets कौन सी होती हैं? जिनको एक साल के अंदर अंदर हम cash में convert कर सकते हैं। जैसे कि cash तो है liquid में, it's already converted.
और कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जो इक्वल टू कैश माने जाते हैं। अब जैसे हम डीडी की बात करें, डिमांड ड्राफ्ट, तो उसमें अगर एक बंदा चेक लेके अपने पास घूम रहा है तो उसको अगर वो कैश करवाने लगे और बैंक अगर बैंक के पास कैश नहीं है या किसी भी वजह से उसको नहीं मिल पाया तो वो बाउंस हो जाएगा अगर बैंक के पास नहीं है। बट एक बंदा अगर डीडी लेके घूम रहा है तो अगर बैंक के पास अवेलेबल हो या ना हो तो वो डीडी का मतलब वो अपने साथ कैश लेके घूम रहा है। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपका कैश के इक्वल माना जाता है, बैंक को हर केस में उसे कैश देना पड़ेगा। उसके बाद इन्वेंट्री जो आपका स्टॉक है, अकाउंट्स रिसीवेबल इन फ्यूचर जो आपको रिसीव होने हैं, और दूसरी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो आप कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट या इनकॉर्पोरेशन के पहले से ही उनको करके रख लेते हैं। ओके, एक तो वो आ गए, उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं, और ये प्रीपेड एक्सपेंस जो आप पहले से ही उनको एडवांस में करके रखते हैं। जैसे कि अभी मार्च का मंथ है और आपने अप्रैल और मई उसका एक्सपेंस, यानी कि सैलरी लगा लो, रेंट लगा लो या कमीशन लगा लो, कोई भी एक एक्सपेंस आपने अप्रैल का खर्चा मई में कर दिया। ओके, और आपने ऐसे ही मई का खर्चा आप अप्रैल में कर रहे हैं, ऐसे ही जून का भी आप अप्रैल में कर रहे हैं, तो वो आपका प्रीपेड माना जाएगा। और जो आपके एडवांस में किए गए खर्चे होते हैं वो आपके एसेट्स में ऐड हो जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स में कौन सी होती हैं, दे आर दोज एसेट्स दैट आर नॉट करंट, जो हमारी वन ईयर में नहीं कन्वर्ट होती। इन ब्रॉडर सेंस विच आर लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। जो एसेट्स जिनको एक साल से ज्यादा का टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में, उन्हें हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। जैसे आप क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ये सारी फिक्स्ड एसेट्स में आती है। उसके बाद आता है लायबिलिटीज। ऐसे ही लायबिलिटीज बिल्कुल एसेट्स की ऑपोजिट होती हैं। दीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेट्स ऑफ अ बिजनेस व्हिच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। लायबिलिटीज कैन बी करंट और नॉन करंट, एंड इन ऑर्डर टू देयर क्लासिफिकेशन दे आर ग्रुप्ड इन बैलेंस शीट्स। अब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो कंपनी की होती है, यानी कि जो आपने देना है कंपनी, बेसिकली द कंपनी इज लायबल टू पे समथिंग, तो उसमें उसको देना होता है, विच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ऑफ लायबिलिटीज। जब कंपनी का इससे जो क्या है वो आउटफ्लो कैश का बढ़ता है, जो या फिर उसके रिसोर्सेज जो भी हैं उसके वो भी बढ़ते हैं। अब लायबिलिटी भी हमारी जैसे एसेट्स हैं वैसे ही दो तरह की होती है, एक करंट और एक नॉन करंट। करंट को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं और नॉन करंट को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। तो इनकी क्लासिफिकेशन ग्रुप में बेसिकली एक ग्रुप में की जाती है बैलेंस शीट में, करंट एंड नॉन करंट में ही। अब ये होती क्या है, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज दैट हैव टू बी पेड विद इन अ ईयर सच एज ट्रेड पेबल्स। नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज हुज पेमेंट पीरियड इज लॉन्गर, such as mortgage taken by a company for 15 years. अब जैसे current assets का है वैसे ही current liabilities का भी है, जिनको एक साल के अंदर अंदर आप pay कर देते हैं उन्हें current liabilities कहते हैं। जैसे bills payable, trade payables, इनका जो है वो continuity में payment होता रहता है। जो non-current liabilities है इनका जो payment period है वो more than one year लेके चलते हैं। जैसे mortgage loan आपने लिया हुआ और वो 15 साल तक आपका चल रहा है, that means it's your long term liability. तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अभी हमने तीन डिस्कस किए हैं, फाइनेंशियल ईयर, एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, इनको हम टाइम टू टाइम करते जाएंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स एक यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं, सेकेंड पेज कम्प्लीट कर लेते हैं। थर्ड पेज जो है इस पीडीएफ का वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सेकेंड पेज पे हमारा लास्ट है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल इज द अमाउंट ड्यू फॉर गुड्स और
rendered but not yet paid by customers. ये वो अमाउंट ड्यू वो है और गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने सेल की हैं बट अभी तक रिसीव नहीं किया कस्टमर को, अभी तक हमने सर्विसेज दी है लेकिन उसका पैसा अभी हमें नहीं मिला हमारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स, तो अभी वो इन फ्यूचर आपको मिलना है. इन अनदर वर्ड्स AR यानी अकाउंट रिसीवेबल इज द अमाउंट दैट इज ऑर्ड बाय कस्टमर्स टू कंपनी फॉर द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड टू रेंडर्ड बाय सच कंपनी ऑन क्रेडिट टू सच क्लाइंट्स. अब इसमें बेसिकली गुड्स और सर्विसेज दोनों काउंट होती हैं. दोनों में फर्क क्या होता है कि जब आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कंपनी स्टॉक जिसमें कंपनी सेल परचेज के लिए डील करती है. अगर एक कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है तो उसके कंप्यूटर्स, लैपटॉप, वेबकैम, तो इस तरह से वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में वो डील करें तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर गुड्स और स्टॉक. और सर्विसेज क्या है कि जैसे टेलीफोन सर्विसेज, केबल सर्विसेज, पार्लर सर्विसेज, ट्रैवलिंग, अगर जैसे आप टिकट्स परचेज कर रहे हैं तो वो किस में आ जाता है आपका सर्विसेज में. तो वो भी आप अब जैसे आपने केबल का पे करते हैं तो वो गुड्स तो नहीं है, तो वो क्या है सर्विस, आपको उन सर्विसेज के लिए पे करना है. यू आर द कस्टमर ऑफ दैट केबल ऑपरेटर, तो वो आपको वो आपसे जो चार्ज कर रहा है वो सर्विस चार्ज कर रहा है, वो गुड्स का पैसा नहीं चार्ज कर रहा. तो पहले क्या था जैसे टैक्सेस भी लगते थे दोनों पे फर्क होता था, गुड्स का और सर्विसेज के टैक्स अलग अलग होते थे, लेकिन अभी जैसे GST आ गया है तो अभी एक ही है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो गुड्स और सर्विसेज में बेसिकली फर्क होता है. अगर आपने अपना स्टॉक किसी को बेचा हो और उससे पैसा लेना है तब भी वो आपका कस्टमर है और वो अकाउंट्स रिसीवेबल में आएगा. और अगर आपने कोई सर्विसेज दी है, अब जैसे जो CA हैं वो अपने वो क्या करते हैं बिजनेसमैन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो गुड्स नहीं बेच रहे, तो वो अपनी जो जो बंदा अपनी स्किल्स के बेस पे अपनी खुद की हुई एक्टिविटी या सर्विसेज दे रहा है तो वो आती है आपकी सर्विस का पार्ट. तो वो जो CA हैं वो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो अगर उन्होंने हमने उनसे अपने अकाउंट्स बनवाए या वो हमारे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का सारा सॉफ्टवेयर में या मैनुअल वही देख रहे हैं तो आप उनको पेमेंट करते हैं. तो बेसिकली यू आर देयर कस्टमर, तो आप उनके लिए आपसे जो पैसा लेना है वो अकाउंट्स रिसीवेबल में जाएगा. तो इसी तरह से अभी हमने सेकंड पेज तक सारे डिस्कस कर लिए हमारे एलिमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड फाइनेंशियल ईयर. और थर्ड पेज से जो हमारी फर्दर बेसिक अकाउंटिंग एलिमेंट्स हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे.